नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आ रही तीन सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में बताएंगे। क्या है पूरी खबर ये तो बताएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर जाननी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग साइट रेडी अन्ना के बारे में। यहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। यहाँ पे 24/7 लाइव सपोर्ट अवेलेबल है, जिसके वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2022 का 19वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और KKR के बीच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए थे। इस बड़े स्कोर का पीछा करने में KKR की टीम नाकामयाब रही। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की है। कोलकाता के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने KKR को 44 रन से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे 215 रन बनाए थे। जवाब में आपको बता देगी इतने रन बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में सिर्फ 171 रन ही बना पाई। दोस्तों इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स को पहला खुशी अपने पॉइंट टेबल को देखकर लग रहा होगा। आपको बता देगी इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम 6वें स्थान पे पहुंच गई है। अगर वो अपना अगला मुकाबला भी जीत जाती है तो वो टॉप 4 में पहुंच सकती है, क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट अच्छा है बाकी दोनों टीम। दोस्तों इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि अब डेविड वार्नर भी फॉर्म में लौट आए हैं। उनके और पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर आक्रमण शुरुआत की वजह से ही दिल्ली कैपिटल्स ने बीच के ओवरों में विकेट गंवाने के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL में रविवार को यहां 5 विकेट पर 215 रन का विशाल स्कोर बनाया। वार्नर ने 45 गेंद पर 61 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल है। उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन और कप्तान ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम वार्नर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने पिछले मैच में वार्नर सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को पुराना वार्नर वापस मिल गया है, वो वार्नर जो किसी भी बॉलिंग यूनिट को धूल में मिला सकता है। वहीं दोस्तों दिल्ली के लिए तीसरी गुड न्यूज ये है कि इस IPL में दिल्ली का बॉलिंग अटैक भी काफी शानदार बन गया है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुलदीप यादव भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने कल के मुकाबले में 4 विकेट छटके, जिसके वजह से वे IPL 2022 में लंबी जंप लेकर पर्पल कैप के रेस टॉप 3 में पहुंच गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उनके आगे सिर्फ युजवेंद्र चहल ही हैं। चहल ने अब तक 11 विकेट लिए हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 10 विकेट झटका है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग यूनिट सब अच्छा बन गया है। अगर आपको भी यही लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स IPL 2022 की चैंपियन टीम की हकदार है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।